हेलो, तो स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से ब्लॉग में। ये हम करते हैं सूरज दादा के दर्शन और हम निकल गए हैं कॉलेज के लिए। तो मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ, मतलब पास में ही हूँ, और मेरा आज भी कॉलेज जाने का मन नहीं था यार। सर्दियों में उठा नहीं जाता मेरे से, बिल्कुल नहीं, मेरा मन नहीं करता आने। और मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ, उसके बाद मैंने कॉलेज में आके देखा कि खाली पड़ा है, इधर कोई आया ही नहीं यार। कैसे लोग हैं इतनी लेट आते हैं, और मैं खुद को रोती रहती हूँ। उसके बाद हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रो लैब में क्लास थी, जिसके लिए हम कोट पहन रहे थे, और हम आ गए इधर, और इधर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, और ये सब हम अपने लैब कोट में, हम डॉक्टर वाली फील ले रहे थे बिल्कुल। और उसके बाद ब्रेक में मैंने चिप्स खाए और इसने आइसक्रीम खाई, मेरी तो नाक ही ख़राब है। उसके बाद ये टाइम पास कर रहे थे ऐसे ही, कोई नहीं जीता इनमें से, दोनों में से ये कर ही जा रहे थे कोशिश। और उसके बाद हम लोगों ने मेरे टीचर से डांट खाई, क्योंकि हम ये सारी पागलपंतियाँ कर रहे थे, कोई बाहर था, कोई फ़ोन चला रहा था, और मैं इनके ऊपर जो है इनके ऊपर मैं शूज़ पहन के बैठ गई थी, तो मुझे भी डांट पड़ी कि ऐसे क्यों बैठे हो। तो इस वजह से हम सारी क्लास को बहुत डांट पड़ी थी। उसके बाद क्लास में आई, मैंने लंच करा, मम्मी ने आलू मेथी दी थी, मज़ा नहीं आया खाकर। उसके बाद हम ऊनो खेल रहे थे, ऊनो मेरे को सिखाया गया है इन लोगों के द्वारा, अर्णव वगैरह के, वरना मेरे को ऊनो नहीं आता था। उसके बाद हमारा ऑडिशन था नुक्कड़ नाटक के लिए, और इसने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, पहली बार में ही सिलेक्ट हो गया। पता नहीं अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई कि कौन सेलेक्ट हुआ है कौन नहीं। फिर अनाट की क्लास हुई थी मेरी प्यारी सी, मेरे को बड़ी पसंद है। और उसके बाद मैं कॉलेज से निकल गई थी, और फिर हमने रास्ते में चाय पी, और मैं बहुत चाय पीने लग गई हूँ यार, क्या करूँ मैं। हाय, तो मैं कॉलेज से आ गई, और मैं आते ही सो गई थी, और फिर मैंने उठ के चाय पी और बर्गर खाया। और आज क्या हुआ कि मतलब सुबह सुबह हमें न्यूज़ मिली, हमारी जो सीनियर फैकल्टी थी उनमें से एक टीचर की फैमिली के एक्सीडेंट हो गया, उसमें उनके हस्बैंड और जो बेटी थी 7 साल की ऑन द स्पॉट नहीं रहे, और वो जो थी मैम वो ओटी है, ऑपरेशन थिएटर में है, और फिर आईसीयू में आई, पता नहीं क्या है कि मतलब अब वो ठीक है कि नहीं है, ऐसा सही है कहने, इसलिए बता रही हूँ मैं, क्योंकि तुम्हें कभी कुछ पता नहीं होता कि क्या हो जाए तुम्हारे साथ या तुम्हारी फैमिली के साथ कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, ये सारी चीज़ें ना एक्सीडेंटली होती है, एकदम से होती, पता नहीं चलता। तो प्यार से रहो यार सबके साथ, सबके ही साथ, ठीक है, अपनों के साथ भी, दूसरों के साथ भी, क्या पता तुम्हें रिग्रेट रह जाए कि तुमने उसके साथ ऐसा बिहेव किया, कुछ भी, क्या पता किसे क्या बात बुरी लग जाए, मतलब इंटेंशनली तुम मत नहीं कहते हैं बट तभी भी, तो खुश रहो सबके साथ और अपना ध्यान रखो और सबका ध्यान रखो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।